हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर मैं सरफुद्दीन आपका स्वागत करता हूँ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। देखिएगा, ये ग्रेनाइट सीढ़ी ढाप लगाने का यह तरीका है, इसी तरीका से आप लोग काम कीजिए और कराइए, या आप अपने से करना चाहते हैं तो आसानी तरीका से ये काम आप कर सकते हैं। बहुत ही सीधा सिंपल तरीका से हम बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से सीढ़ी का ग्रेनाइट फिटिंग किया जाता है। हमारे वीडियो पे बने रहिए। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्किप करके नहीं देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। हमारे वीडियो पे बने रहिए, नए नए वीडियो इसी तरीक़ा से आपको हम लाएँगे। हर तरह का वीडियो आपको मिलेगा सिविल लाइन से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि हमारे नए दोस्तों के पास ही आसानी से ये वीडियो पहुँचे। इसी तरीक़ा से जो है सीढ़ी का राइजर खड़ा करने के बाद आराम आराम से मसाला बिछाइए। आप मसाला बिछाने में जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से बिछाइए। इसी तरीक़ा से आप बिछाइए, देख लीजिए मिस्त्री किस तरीक़ा से करने के माध्यम से जो है मसाला बिछा रहे हैं। ईंटा रोड़ी होता है, गिट्टक होता है, पत्थर होता है, सब निकाल डबल कीजिएगा कि बैठाने में असुविधा ना हो। इसी तरीक़ा से लगाइए, बहुत ही इजी तरीका है ये फिटिंग करने का, बहुत नया अनोखा अंदाज में ये फिटिंग हो रहा है। इसी तरीक़े से देखिए पत्थर को जो है पूरे साफ़ कर लीजिएगा अंदर बाहर। कटिंग करने के बाद जो है पत्थर में बालू वगैरह लगा हुआ रहता है, पत्थर का मिट्टी लगा रहता है, इसी तरीक़े से आप कीजिए। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस बेल आइकन दबा दीजिए कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हमारे नए दोस्त के पास भी ये वीडियो आसानी से पहुँचे। लाइक ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हमारे नए दोस्तों के पास ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। इसी तरीक़ा से देखिए ये राइजर को जो है साफ़ किया जा रहा है, दोनों तरफ का जो है पत्थर कपड़े के माध्यम से साफ़ किया जा रहा है कि कचरा जो भी हो, पत्थर का माटी वगैरह होता है, बालू होता है, सब साफ़ कर देना होता है। इसी तरीक़ा से जो है राइजर रखिए और सिलमिट का घोल, बालू में जो है पहले से सिलमिट मिक्स है, पानी मारा हुआ है इसमें, अभी हल्का घोल देके नरम करके जो है राइजर में इसी तरीक़ा से डालिए, आराम आराम से डालिए, दोनों तरफ पहले डाल लीजिए आराम से और
उसके बाद सूखा सिलमिट डालेंगे इसमें। सूखा सिलमिट डालने के बाद इसको जो है फिर से जो है सारे गैपिंग को जो है मसाला नरम करके भर देंगे। इसी तरीके से भरेंगे और सूखा सिलमिट डाल देंगे। सूखा सिलमिट डालेंगे उसके बाद जो है पूरा को जो है इसी तरीके से जो है मसाला देके पैक कर देंगे। राइजर को जो है जाम कर देंगे। इसी तरीके से जाम कीजिए। देखिए ओलन देख लेंगे। ओलन में परफेक्ट रखिएगा। इसको सावली भी कहते हैं हम लोग, ओलन भी कहते हैं। ओलन में परफेक्ट राइजर खड़ा कीजिए और जो है मसाला करने के माध्यम से जो है एक सामान जो है मिलाइए आराम आराम से। और ईटा पत्थर वगैरह जो होगा तो निकाल दीजिएगा। इसी तरीक़े से जो है मसाला करने से जो है रखिए एक सामान रखिए आराम आराम से। हर बढ़ाइएगा नहीं, आराम आराम से जो है रखिएगा। आप नए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आराम से रखिएगा, हो जाएगा। बहुत ईजी तरीका बताएंगे आपको इस वीडियो में। और पत्थर को जो है कपड़ा से जो है साफ़ कर लीजिएगा, अंदर बाहर दोनों साइड साफ़ कीजिएगा। ये धूल वगैरह रहता है तो जो है घोल में जो है पकड़ मजबूत नहीं होगा। साफ करके जो है काम कीजिएगा और आराम आराम से इसी तरीक़े से ठोकिए। ठोकने के बाद जो है देख लीजिए कहाँ कमी बेसी है, उसको मिला लीजिएगा। पत्थर वगैरह निकाल दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा है निकाल दीजिए उसको और जो है मिलाइए अच्छी तरीक़े से। इसी तरीक़े से मिलाती बालू में पत्थर वगैरह रहता है उसको निकाल देवल कीजिए। देखिए इसी तरीक़े से जो है आराम आराम से ठोकिए इसको। देख लीजिए कि पत्थर टूटे ना। और जो है ये टाइल्स का कटकोना वाला है। और ओलन देख लेंगे इस तरीक़े से। ओलन परफेक्ट नहीं रखना है, इस तरीक़े से जो है पेटा ओलन जो है थोड़ा सा झूला रहना चाहिए। झूला इसलिए रखते हैं हम लोग कि जो है पानी जो भी डाल के धुलाएगा तो जो है पानी बह के जो है बाहर की तरफ गिर जाए, राइजर की तरफ डाउन नहीं होना चाहिए। 1-2 mm जो है आप जो उठा देंगे कि स्लोप वगैरह बन जाएगा, राइजर की तरफ पानी नहीं जमेगा और ये जो है बाहर की तरफ टल के चलाएगा। इसी तरीक़े से देखिए रख के जो है टाइल्स का जो है 8 mm का जो है लोजिन रख के जो है ठोक देना है। इसी तरीक़े से ठोकिए। बहुत ईजी सिंपल तरीका है, एकदम आसान है। लोजिन मिला लीजिए उसके बाद ठोकते हैं। फिर ओलन देख लेंगे, एकदम परफेक्ट है। हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि हमारे नए दोस्तों के पास ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। इसी तरीके से दोस्तों फिटिंग कीजिए, बहुत ही ईजी तरीक़ा से बता रहे हैं हम आपको। इसमें कोई झंझट नहीं है, एकदम आराम से ईजी, कोई भी नया आदमी कर सकता है इसको आराम से। इससे जो है ये 2 कलर में जो है सीरी का ग्रेनाइट पत्थर फिटिंग किया जा रहा है। राइजर में वाइट है और ढाप पर जो है टॉप हो गया ब्लैक। 2 कलर का जो है पत्थर है, ग्रेनाइट पत्थर है ये। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा फिटिंग होने के बाद पूरे। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस बेल आइकन दबा दीजिए कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हमारे नए
दोस्तों के पास ही आसानी से वीडियो पहुंच सके। देखिए दोस्तों, इसी तरीक़ा से जो है आप काम कीजिए। राइजर में जो है थोड़ा घोल के पानी डाल के जो है मसाला को नरम करके राइजर में भर दीजिए। इसी तरीक़ा से थोड़ा सूखा सिल में डाल दीजिए। डालने के बाद जो है टॉप ढाप के लिए मसाला जो है सरियाएंगे आराम आराम से। इसी तरीक़ा से जो है आराम आराम से सरियाना है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम आराम से करना है। बहुत ईजी तरीक़ा से हम बता रहे हैं आपको फिटिंग करने का। इस तरीक़ा से फिटिंग कीजिए, आसानी तरीक़ा से आप फिटिंग कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस बेल आइकन दबा दीजिए कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हमारे नए दोस्तों के पास वीडियो आसानी से पहुंच सके। इसी तरीक़े से आराम आराम से बिछाइए मसाला, जल्दबाजी नहीं कीजिए। पत्थर को साफ कर लीजिएगा आराम से, धूल गर्दा माटी जो भी होगा साफ हो जाएगा। और इसी तरीक़ा से आप काम कीजिए। बहुत आसान इजी तरीका है ये काम करने का, हीटिंग में बहुत जल्दी कर पाएंगे। देखिए इस तरीक़ा से ओलन जो है देख लीजिए, 1 mm इसमें झोल रखिएगा हल्का स्लोप के लिए, ये परफेक्ट रखिएगा ओलन। इस तरीक़े से आप काम कर सकते हैं, जहाँ कमी मसाला हो वहाँ रख दीजिए हल्का मसाला। रखने के बाद जो है ये सिलमेट का घोल है, सिलमेट का घोल मार दीजिए। इसी तरीक़े से आप फिटिंग कीजिए, बहुत ही आसान तरीका है, आप फिटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आराम आराम से ठोकिए। ये टिप्पा मिला लीजिएगा लोजिंग के लिए दोनों तरफ, आराम आराम से ठोकी। और एक बार फिर ओलन देख लीजिएगा, इसमें जो है 2 mm का झोल रखिएगा कि पानी स्लोप हो जाए, पानी चला है। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस बेल आइकन दबा दीजिए कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।